अपडेट्स। हम यहाँ खड़े अयोध्या की उस सड़क पे जिसकी हाल और जिसकी तस्वीर बिल्कुल बदल दी गई है। सड़क को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक जैसी दुकानें हैं, इनका डिज़ाइन, इनका पैटर्न, इनका रंग सब कुछ सेम टू सेम है। इसके अलावा आप लाइट्स देख पा रहे होंगे, लाइट्स भी एकदम सेम टू सेम है और बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की गई है। इनकी आप खूबसूरती रात में ही देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ की दुकानों का सौंदर्यकरण हो या फिर इन रोड, आप रोड देखेंगे कितनी स्मूथ, कितनी साफ सुथरी और कितनी अच्छी सड़क बनाई है। आप इससे नज़र लगा सकते हैं, डिवाइडर से लेके हर चीज़, मतलब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो रेलिंग लगी हुई है लोहे की, उससे लेके डिवाइडर तक, डिवाइडर से सड़क तक, सड़क से लाइट तक, हर चीज़ ऑन पॉइंट है। अयोध्या में आने वाले किसी भी आदमी को कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी शख्स को कोई भी परेशानी ना हो, इस बात का सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। इसके अलावा अगर हम ये शटर्स देखेंगे इन दुकानों के, तो उन पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं। आप देखिए, श्री राम लिखा हुआ है, तिलक का जो है एक ड्राइंग बनाया हुआ है। इसके अलावा शंख से लेकर हर चीज़ की तस्वीरें इन दुकानों की शटर पर बनाई गई हैं, जो एहसास कराती हैं कि आप जो है अयोध्या में मौजूद हैं। इसी के साथ ही इन दुकानों को देखेंगे तो इन दुकानों के शटर के कलर से लेकर इनकी पूरी, मतलब पूरा का पूरा इनका जो रंग रोगन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, एकदम बिल्कुल एक दूसरे से। आपने ऐसा रंग रोगन इससे पहले या तो जयपुर के जौहरी बाजार, बापू बाजार में देखा होगा या फिर सीपी के जनपथ में देखा होगा, लेकिन अब ऐसा ही सौंदर्यकरण, ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा, ऐसी ही खूबसूरत दुकानें अब आपको अयोध्या में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें भले नई हैं, पर दुकानदार अभी भी वही हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ अपनी दुकान चला रहे हैं। अब हम इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पे कब से है और इन पे क्या असर पड़ा है इस सौंदर्यकरण, इस पूरा जो रोड बनाया गया है, काफ़ी सारे लोग श्रद्धालु अब आना शुरू करेंगे यहाँ पर, तो कैसा असर है। हेलो भैया, सीताराम। सीताराम, जय सीताराम। एक सवाल पूछना था आपसे, आपको क्या लगता है इतना ऐसा सौंदर्यकरण हो गया है अयोध्या में, रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। आप जानिए कि 500 बरस का जो हम लोगों का इंतजार था रामलला को आने का, वो हम लोगों का इंतजार पूरा है। हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे अयोध्या वासी खुश हैं, पूरा देश खुश है, पूरी राम को मानने वाले पूरे दुनिया में लोग खुश हैं, और ये तो हम लोगों का एक सपना पूरा हो रहा है और हर हिंदू का सपना पूरा हो रहा है, सबका सपना पूरा हो रहा है। तो आपकी दुकानदारी पे कितना असर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार, जनता इतनी तो कभी आती नहीं होगी जितनी भीड़ अचानक से इतने सारे लोग रामलला के दर्शन करने आए, उस पर आप क्या कहेंगे, आपकी दुकानदारी पे कैसा असर? नहीं, व्यवसाय पे बहुत अच्छा फर्क पड़ा है और जनता का आगमन बढ़ा है। पहले व्यवसाय जहाँ 30-35% था, अब 90-95% हो गया है और बाहर के लोग भी आने लगे हैं और बहुत अच्छा है, व्यापारी बहुत खुश है। भैया, कब से ऑटो चला रहे हैं? ये 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, क्या असर पड़ा है? बहुत बढ़िया, अभी पहले से तो बेहतर है। पहले से बेहतर है, मतलब जब से ये प्राण प्रतिष्ठा का माहौल बना है और जब से उससे भी बेहतर है। उससे बेहतर है, मतलब ज्यादा व्यापार बढ़ा है, फायदा हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, अच्छी बात है कि हो रहा है ये। तो आप मतलब खाना 30 सालों से खिला रहे हैं लोगों, क्या है आपके रेट्स, क्या कैसे थाली देते हैं? थाली 80 रुपए के, 120 रुपए को थाली है और बाकी कुकर भी है, काफी वाजिब दाम है मतलब। हाँ। बाबा, क्या क्या मिलता है आपकी दुकान पर? हमारे दुकान में रेडीमेड है और जूता चप्पल है, बैग वगैरह है। तो आपको क्या लगता है, मतलब अभी जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भारी भीड़ जो है अयोध्या में आ रही है, बहुत से लोग आ रहे हैं, उससे आपके व्यापार पे कैसा असर पड़ा है? बहुत अच्छा असर पड़ा है। तो आपकी खरीदारी, मतलब ये जो बिक्री है? हाँ, पहले से दुगनी हो गई, समझ लीजिए दुगनी हो गई है बिक्री। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के? सरकार ठीक है, सरकार बहुत बढ़िया मोदी कर रहे हैं। मंदिर की बात हो और प्रसाद की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर मंदिर के पास प्रसाद की दुकानें होती है और अक्सर उनकी दुकानें उसी मंदिर की वजह से चलती है। तो यहाँ भी एक ऐसी ही दुकान से हम बात करने जा रहे हैं, दुकान वाले से बात करने जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि उनके व्यवसाय पे इसका क्या असर पड़ा है। भैया, आपके व्यवसाय पे क्या असर पड़ रहा है, इतनी भीड़ आ रही है अयोध्या में, इतने लोग आ रहे हैं, काफी डेवलपमेंट हुआ है? जो भी है अच्छा ही है, कोई हमारा खराब नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इनका कहना है कि इनका बहुत बढ़िया। आपके बिजनेस पे कैसा प्रभाव पड़ा है, फायदा हो रहा है? बहुत फायदा हो रहा है। इनका कहना है कि बहुत फायदा हो रहा है इनको और काफी सारी चीजें अच्छी लग रही है, फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, सौंदर्यकरण हो रहा है, रामलला आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे बेहतर और क्या चाहिए अयोध्या में। अयोध्या जो है जगमग है, लोग बहुत खुश हैं और रामलला के आने के बाद और कैसा माहौल होगा ये तो देखते ही बनता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।